प्रदेश का सस्पेंस तो खत्म हो गया, अब राजस्थान की बारी है। अगले कुछ घंटों में राजस्थान की पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी। शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है और उसी में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी। बैठक में राजनाथ सिंह समेत तीनों पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे। जिस तरह बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सबको चौंकाया है, कुछ वैसी ही उम्मीद राजस्थान के लिए भी की जा रही है। दोनों राज्यों में बीजेपी ने उस चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जिसकी दूर दूर तक कहीं कोई चर्चा ही नहीं थी। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई बड़े नाम रेस में थे, लेकिन आखिर में बाजी लो प्रोफाइल वाले मोहन यादव के हाथ लगी। मोहन यादव को खुद भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इसलिए वो विधायक दल की बैठक में अंतिम लाइन में बैठे थे। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हाल था। रमन सिंह, रेणुका सिंह, लता उसेंडी, ओपी चौधरी समेत कई नाम मीडिया के गलियारों में चल रहे थे, लेकिन कमान विष्णुदेव साय को मिल गई। राजस्थान में भी इस रेस में कई नाम हैं। वसुंधरा राजे अभी भी ताल ठोक रही हैं। महंत बालकनाथ, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम माथुर, राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी समेत कई नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में चल रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ट्रेंड को देखकर तो यही लगता है कि शायद इनमें से कोई मुख्यमंत्री न बने और आलाकमान किसी ऐसे चेहरे को ताज पहना दें जिसकी कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी आलाकमान ने जिस तरह से फैसला लेकर सबको चौंका दिया, उसे देखकर राजस्थान में बीजेपी के सभी 115 विधायकों की उम्मीद जग गई है कि बंद लिफाफे में उनका नाम भी हो सकता है। इस बात की प्रबल संभावना इसलिए भी है क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह ही बीजेपी ने राजस्थान में भी बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ा था। चेहरा सिर्फ एक ही था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। चुनाव प्रचार के दौरान चित्तौड़गढ़ की रैली में प्रधानमंत्री ने वसुंधरा राजे के सामने ही कहा था कि चुनाव में सिर्फ कमल का चेहरा है। तभी कहा गया था कि ये सीधे सीधे वसुंधरा राजे को संदेश है, अब जब बहुमत मिला है तो पार्टी नए प्रयोग करने से नहीं हिचकेगी। हालांकि वसुंधरा राजे के शक्ति प्रदर्शन ने चिंता जरूर बढ़ा दी है। शिवराज और रमन सिंह की लॉबिंग की कोई खबर नहीं आई, लेकिन वसुंधरा राजे अड़ी हुई हैं। लगातार वो अपने करीबी विधायकों से मिल रही हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के फैसले उनके लिए शुभ संकेत नहीं है। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला हो सकता है। दरअसल इस फॉर्मूले के जरिए बीजेपी जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ एक ब्राह्मण और एक ओबीसी डिप्टी सीएम, तो मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री के साथ एक ब्राह्मण और एक एससी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। राजस्थान में भी कुछ इसी तरह का जातिगत बैलेंस देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।